हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस ब्यूरो तरफ सिक्योरिटी असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट रो वैकेंसी भरी। यही पोस्ट को अप्लाई करने पर कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही, यही पोस्ट को आप के अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रही, एग्जाम आपको केमी आसो, ये विषय में आपको डिटेल्स कहबी। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन प्रेस करने को भूलु। चलो यही पोस्ट विषय डिटेल्स जानवा। फ्रेंड, ये जो देखुंत ई निजुक्ति डॉट इन निजुक्ति ओडिशा ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपसे पहुंची पारे ना। आप गूगल में सर्च करेंगे ई निजुक्ति डॉट इन जो प्रथम आसो से क्लिक करेंगे पोस्ट में पहुंची पारे। ये आप शो कौन इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस डिग्री 2023 नोटिफिकेशन शो कौन। यही पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही, एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, कौ पोस्ट के वैकेंसी रही, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। आप एग्जाम पैटर्न कमी रही है डिटेल्स चेकआउट करेंगे। ये आप शो कौन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आर एफ आपने क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड हो इंटेलिजेंस ब्यूरो तरफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही है। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जाम 2023 वैकेंसी रही। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस हिसाब से वैकेंसी आपकी भुवनेश्वर जो वैकेंसी रही है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट पर 9 पोस्ट आप वैकेंसी रही है। एमटीएस जनरल आप वैकेंसी रही है। सेमती आप जहाँ जहाँ सब आप जो तरह हेडक्वार्टर रही है, हेडक्वार्टर आप वैकेंसी रही है। टोटाल जो पोस्ट वैकेंसी रही है 677 पोस्ट आप वैकेंसी रही है। आप चेकआउट करेंगे। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट जो आप जो पे स्केल रहा लेवल 3 रहा 21,700 69,100 आप पेमेंटिक्स रमी। आप एमटीएस जनरल लेवल 1 पे स्केल रहा 18,956 आप पेमेंटिक्स आप रहा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दरकार ये पोस्ट को अप्लाई करने जो मैंने एमटीएस जनरल अप्लाई करेंगे, मैट्रिकुलेशन 10th पास और इक्वल फ्रॉम रिकमेंडेड बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट व्हिच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। आप 10th पास सहित आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट थोड़ा दरकार जो स्टेट पर अप्लाई करेंगे, स्टेट आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट थोड़ा दरकार आप अप्लाई करने एमटीएस और जनरल पोस्ट पर। जो मैंने आप सिक्योरिटी असिस्टेंट आप मोटर ट्रांसपोर्ट पर अप्लाई करेंगे से जो क्वालिफिकेशन थोड़ा दरकार, पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर एलएमवी इश्यूड बाय कंपटेंट अथॉरिटी, आपके एलएमवी रो ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा दरकार, नॉलेज ऑफ मोटर मेकानिज आप नॉलेज थोड़ा दरकार। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल, जो स्किल टेस्ट कहा जाए स्किल टेस्ट आपकी किसी फल्ट कहा जाए फल्ट आप धरिक ठीक कर। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस पाई सारापर एलएमवी लाइसेंस पाई सारापर आप मोटर कार आप ड्राइविंग कर 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा दरकार। एज लिमिट रखा है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट। जो मैंने एसए एमटी अप्लाई करेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में अप्लाई करेंगे से जो मैक्सिमम एज रखा है 27 वर्ष मैक्सिमम एज रखा है। आज जो मैंने एमटीए जनरल अप्लाई करेंगे 18-25 वर्ष एज रखा है। अफर एज लिमिट रिलैक्सल बाय 5 ईयर एससीएसटी एससीएसटी कैंडिडेट आपको होता है आपको 5 वर्ष एज रखने मिल जाए। ओबीसी होते 3 वर्ष आपकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं 40 वर्ष एज आप मैक्सिमम एज आप 40 वर्ष आप रखा जाए। ये आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप जो एग्जाम देते एग्जाम सब कौ सीट आप एग्जाम देते आप चेकआउट करेंगे। ओडिशा आप रही बालेश्वर रही ब्रह्मपुर रही भुवनेश्वर कटक ढेंकाना राउरकेला संबलपुर ये जगह आप एग्जाम रही आप चेकआउट करेंगे। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप एग्जाम चूज करेंगे आप ऑप्शन आसो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप एग्जाम पैटर्न आप देखिए आप एग्जाम आसो। ये आप टायर 1 रही टायर 2 रही टायर 1 आप सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस एंड जनरल आप टायर 1 रही है। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ द टाइप एमसीक्यू डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट कंटेनिंग 100 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच वन आप जो क्वेश्चन रहा टायर 1 में आप ऑफ द टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रही है। 4 पार्ट में डिवाइड कर टोटाल आप 100 क्वेश्चन रही है 100 मार्क आप एग्जाम का गोटे क्वेश्चन ठीक कले आप 1 मार्क आपको मिल। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आसो क्वांटिटी अफ जो 20 क्वेश्चन आसो न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग 20 क्वेश्चन आसो इंग्लिश लैंग्वेज आप 20 क्वेश्चन आप आसो टोटाल जो मार्क आप 100 क्वेश्चन 100 मार्क आप एग्जाम टोटाल जो रही है 100 मार्क आप एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन आपको घंटा टाइम ड्यूरेशन आपको दिजिव। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर आप गोटे क्वेश्चन भूल कर 0.25 मार्क आप डिडक्ट कर नेगेटिव मार्किंग आप रही। टायर 1 सर आप टायर 2 आप रही सिक्योरिटी असिस्टेंट आप मोटर ट्रांसपोर्ट पर टायर 2 जो रोज मोटर मेकानिज ड्राइविंग टेस्ट इंटरव्यू आपको
The candidate should be required to drive a motor vehicle as instructed by the instructor. Practical knowledge of the candidate about the vehicle and removal of minor defect saying the vehicle in off-key maintenance etc. would also be tested. Apnakar driving test apan koraku diya jibo apan driving test apan niya jibo tapra apnakar practical test kora jibo gote vehicle apan debe tatare kichi apan minor defect karibe he defect dhari ki apan sojare achi tatare apnakar tire dura apan ra rahibo around motor mechanism driving test ko interview apnakar rahibo apan rahi chi 50 रो 50 50 मार्क एग्जाम करा जिवो यदि आपन जो रहले टाइटल आपन जो एमटीएस जनरल जो माने अप्लाई करबे समान रहबो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन आपन रहबो बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इट्स वोकैबुलरी करेक्ट ग्रामर एथरा आपन क्वेश्चन आसीबो 50 मार्क आपन एग्जाम करा जिवो 50 मार्क क्वेश्चन आसीबो 50 मार्क आपन एग्जाम करा जिवो गोटे घंटा टाइम दिसन आपन दिया जिवो कैंडिडेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी वुड बी कॉल्ड फॉर टायर 2 एग्जाम जो माने टायर 1 ने क्वालीफाई करबे टायर टू जो मैंने डका जाए जी वैकेंसी होती है टेन टाइम पिला टायर टू एग्जाम डक ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट 14/10/2023 स्टार्ट ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट रही है 13/11/2023 जाए रही है और आपने एसबीआई ऑफलाइन चैलेंज आप करेंगे तो आप 16/11/2023 जाए आप फी पेमेंट आप लास्ट डेट रखाई केमी अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो ये चैनल आज जाए आप चेकआउट करते आई बटन तार लिंक सब आप चेकआउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आप चेकआउट करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन रही है कमी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हाउ टू अप्लाई करते हैं चेकआउट करेंगे फोटोग्राफ जो साइज रहा दरकार आप फोटोग्राफ साइज आप 12 विक्रे आप ओल्ड होता दरकार लाइट बैकग्राउंड आपड़ा दरकार लाइट ग्रे ह्वैट इज सजेस्टेड आप ग्रे होते भल ह्वैट आप बेटर रहा लाइट बैकग्राउंड आप फोटोग्राफ रहा दरकार 50 KB रू 100 KB आप फोटोग्राफ साइज रहा दरकार जेपीजी ना जेपीजी फॉर्मेट रहा दरकार से सिग्नेचर आप 50 रू 100 KB सिग्नेचर साइज रहा दरकार एग्जाम फी रखाई आप एग्जाम फी है 50 टाँह रिक्रुटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 टाँह ये लिखी कैटेगोरी आप लिखी ऑल कैंडिडेट रिक्रुटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस सब पे रिक्रुटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस देते एससी हो कि एसटी हो कि पीडब्ल्यू हो सब पे रिक्रुटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 टाँह को पे करा पड़ो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से एग्जाम फी इन एडिशन टू रिक्रुटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 टाँह देलापर आउ 50 टाँह आप जनरल पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस पिला माने आपनर 50 टाँह 5 टाँह देते आउ एससी एसटी पीरियड कैटेगरी पिला माने आपन जो फी रही 450 टाँह फी रखा जाटा आपर एसबीआई ईपे ईपे थ्रु आपे एटा बर्ष नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप चेकआउट करेंगे आउ जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट रही है ए पीडीएफ डाउनलोड कर भल भाव चेकआउट करेंगे ए पीडीएफ आप इनिजुक्ति .in साइट विजिट कर पीडीएफ डाउनलोड कर भल भाव सब चेकआउट करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो तरफ सिक्यूरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट विषय में डिटेल्स कही सारी जदि आप मन में किसी डाउट अच्छे कमेंट सेक्शन में पचारत यह भिडियो आपको भल लगी भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सहित शेयर करूँ ए चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु धन्यवाद।